हेलो एवरीवन, आज मैं एक स्कर्ट बनाना सिखा रही हूँ जो आपके एक 5 इयर्स से लेके 8 इयर्स से लेके गर्ल और 12 या 15 इयर्स की गर्ल पहन सकती हैं, क्योंकि आजकल छोटे बच्चे बड़ी स्कर्ट भी पहनते हैं और बड़े बच्चे छोटी स्कर्ट भी पहनते हैं। तो स्टार्ट करती हूँ, बस कमर का फर्क रहेगा, स्कर्ट सबके लिए इक्वल रहेगी। स्टार्ट करती हूँ, मैंने इसको 4 फोल्ड की जगह 8 फोल्ड कर लिया है। कैसे किया है वो मैंने आपको पिक्चर्स में बता दिया। सबसे पहले मैंने इसको 4 फोल्ड किया, ये देखिए, और फिर इसे ट्राई एंगल शेप में रख दिया है, यानी कि ये 8 फोल्ड हो गया है। 8 फोल्ड, 4 फोल्ड को वंस अगेन फिर से एक बार फोल्ड कर दिया है। अब जब हम 4 फोल्ड करते हैं तो हम किसी भी चौड़ाई, जो कमर की लंबाई चौड़ाई होती है उसमें हम 4 का डिवाइड करते हैं। जैसे बच्चे की कमर की, लड़की की 24 है तो 24 डिवाइड बाई 4 करते हैं, लेकिन अब 24 में डिवाइड बाई 8 करेंगे, क्योंकि मैंने इसको ट्राइंगल शेप में कर दिया। मैं 4 2 सर्कल करूंगी तो ये 8 फोल्ड हो गया है। एक बार मैं आपको पेपर पे बता देती हूँ। सपोज ये 1 मीटर का फैब्रिक है, इसको हम एक बार फोल्ड करते हैं, फिर 2 बार फोल्ड करते हैं, फिर ये जो 2 फोल्ड है इनको भी एक बार फोल्ड करते हैं, तो इस तरीके से हमारे 4 फोल्ड हो गए। 4 फोल्ड हो गए, जब हम इसको कट करेंगे तो हमारे पास ये, हम कमर का कटिंग करेंगे और फिर यहाँ पर राउंड राउंड शेप देके यहाँ पर हम उसका स्कर्ट का घेर करेंगे। ये इस तरीके से ये हमारा पूरा एक फुल सर्किल आएगा। इसकी मैं स्कर्ट बनाने जा रही हूँ, तो मैं एक बार इसको फैब्रिक पे आपको कट करके दिखा देती हूँ। बच्ची की कमर है 26, तो 26 डिवाइड बाई 8 करना होगा मुझे, तो 26 में मैं 8 का डिवाइड करूंगी। 8 3 जा 24 होता है, तो मैं 8 3 जा यहाँ 3 का मार्जिन दूंगी कि यहाँ पे इस तरीके से 3 आ जाए। तो 26 से तो मैं हल्का सा ज्यादा दे दूंगी यहाँ पे, हल्का सा। अगर कभी गलती से सर्किल ज्यादा बड़ा हो जाता है तो आप कमर पर चुन्नट डाल सकते हैं, प्लेट्स डाल सकते हैं, तो कोई डरने वाली बात नहीं है कि ज्यादा कट जाएगा। अगर गलती से यहाँ कट ज्यादा हो जाता है तो आप प्लेट्स डाल सकते हैं, तो मैं यहाँ पे हल्का सा ज्यादा ले लेती हूँ। मैंने करीब यहाँ पे 3.5 लिया है। मैं इसलिए भी थोड़ा सा ज्यादा ले रही हूँ क्योंकि मैं कमर पे एक मोटी सी स्टेप डालूंगी जिसको मैं नीचे से कट कर लूंगी। फिलहाल मैं आपको इसका सर्किल करती हूँ। सर्किल में अगर थोड़ा सा ज्यादा भी कट जाए तो कोई बात नहीं। इसको यहाँ से देखते हैं, मैंने पहले भी बहुत सारे अम्ब्रेला कट सिखाए हैं लेकिन फुल अम्ब्रेला कट फर्स्ट टाइम सिखा रही हूँ। ये देखिए, यहाँ पे देखते हैं जो नंबर यहाँ आ रहा है इस तरीके से, और इस तरीके से राउंड राउंड करते हुए जाते हैं और यहाँ देखते हैं कि यहाँ पे 4 नंबर किस जगह आ रहा है। तो थोड़ा सा ऊपर आ रहा है तो आप हल्का सा ऊपर करेंगे। ये देखिए, जब मैंने यहाँ पे रखा तो 4.2 नंबर ज्यादा आ रहा है, 2 इंच, और फिर इस तरीके से 2 सेंटीमीटर, जो जो 2 लाइन्स हैं इतना ही ज्यादा आ रहा है। तो वो जब हम इस तरीके से घुमाते हैं तो ये यहाँ पर आएगा, तो हमें वही निशान लगाना है, ये वाला इस तरीके। ये देखिए, अब जो इसका घेर है स्कर्ट का वो करीब 15 इंच के आ रहा है, एक एक इंच हमारा फोल्ड हो जाता है, तो करीब 14 इंच हमारा आएगा, आधा इंच ऊपर फोल्ड हो जाएगा और आधा इंच नीचे। तो मैं इसको भी यहां से लेके यहां घुमाती जाऊंगी और यहां घुमाती जाऊंगी, तो यहां पे देखते हैं कैसे आता है। ये देखिए, यहां से पकड़ेंगे ऐसे और फिर राउंड 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 करते हुए इस तरीके से यहाँ पे भी 15 पे ही लगाना है। मैं इसको भी कट कर लेती हूँ।
अब इसी फैब्रिक में से मैं कई पट्टियां काट ले रही हूँ, 5-5 इंच की, 5-5 इंच की, 1-1 इंच दोनों तरफ से दब जाएगा क्योंकि फिनिशिंग के लिए, क्योंकि इतने सारे थ्रेड निकल रहे हैं। और बाकी मैं इसमें से 3-3 करके ऐसे पट्टियां निकाल ले रही हूँ, जो मैं आपको भी बता दूंगी कहाँ जोड़ना है। एक तो कमर पे जोड़ेंगे और टॉप की डिजाइन बनाएंगे। बच्चे की कमर पे ये इलास्टिक जब हम लगाते हैं तो ये बहुत ज्यादा स्ट्रेचेबल है, मतलब ज्यादा खिंचती है, तो ये आपको करीब 5 इंच छोटी रखनी होगी। आप कमर पे लगा लीजिए और खींच के लगाने के बाद चेक कर लीजिएगा कि कितनी छोटी, कितनी उसके लिए फिट बैठ रही है। जितनी फिट बैठ रही हो उससे 1 इंच खींच के लगा के चेक कर लीजिएगा। जैसे कि देखिए, ये मुझे 13 लेनी है, यानी कि 26 कमर है, 26 कमर के हिसाब से मैं 13 लेती, 13 × 2 = 26, 13 × 2 = 26, तो फिर मैं 13 लेना चाहिए था मुझे, लेकिन मैं यहाँ पे 9 ले रही हूँ, क्योंकि ये इलास्टिक, जो कुछ इलास्टिक बहुत ज़्यादा स्ट्रेचेबल होती हैं तो फिर लूज हो जाएगी, इसलिए हमें इलास्टिक भी फिक्स लेनी है, सिर्फ आधा आधा इंच स्टिचिंग के लिए एक्स्ट्रा लेना है। मैं ये थोड़ा सा इजी रखना चाह रही हूँ। मैं सबसे पहले इलास्टिक अटैच कर लेती हूँ और फिर इलास्टिक का जो फैब्रिक है वो मैं स्कर्ट में अटैच करूंगी। तो मैं इसको खींच के मैं क्या करूंगी, सबसे पहले यहाँ पे एक स्टॉपर लगाऊंगी इस तरीके से अच्छे से। यहाँ पर अगर आपके थ्रेड्स निकल रहे हैं तो आप उसको फोल्ड कर लीजिए, और यदि नहीं निकल रहे हैं तो आप इसको ऐसे डायरेक्ट फोल्ड कर लीजिए। मैं हमेशा यही कहती हूँ कि फिनिशिंग के साथ यदि स्टिचिंग करेंगे तो प्रॉपर रहेगी और अच्छी लगेगी। जैसे कि ये थ्रेड्स निकल रहे हैं और ये थ्रेड्स निकल रहे हैं, यह तो पहले आप थोड़ा सा ऐसे तुरप लीजिए। हमेशा इलास्टिक से एक्स्ट्रा पट्टी काटते हैं। ये यहाँ पे इतना, ये मैंने जितनी भी झालर के लिए पट्टियाँ काटी हैं और जितनी भी मैंने बेल्ट के लिए, सबके लिए मैं थोड़ा थोड़ा यहाँ पे इस तरीके से आधा आधा इंच अंदर फोल्ड कर लेती हूँ। फोल्ड करने से फायदा ये रहता है कि जब हम इसको फोल्ड करते हैं इस तरीके से, किसी पे भी स्टिच करते हैं तो रेडीमेड जैसी सिलाई आती है, नहीं तो फिर धागे निकलते रहेंगे। इंटरलॉक करने पर भी हम दूसरे तरीके से इंटरलॉक करते हैं, इसलिए धागे नहीं दिखाई देते, लेकिन अगर आप इस तरीके से करेंगे तो आपकी भी रेडीमेड लगने लगेगी ड्रेस। अब मैं स्कर्ट को नीचे से भी फोल्ड कर लेती हूँ, तुरपाई जैसे करते हैं आप तुरपाई कर सकते हैं, और नहीं तो इस तरीके से 2 times, 1 time and 2 time, इस तरीके से मुझे पूरे स्कर्ट के राउंड पे स्टिच करना है, फोल्ड करना है इसे। अब मैं ये स्टिच कर रही हूँ, इस तरीके से फोल्ड करना है और फिर फिनिशिंग के साथ स्टिच करना है। तो ये पूरे घेर का मैं पहले स्टिच कर लेती हूँ। फ्रेंड्स, मेरा अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, जिससे कि मैं जो भी बहुत, मैं एक स्टिचिंग में करीब 20-20 आइडियाज़ देती हूँ स्टिचिंग के, तो इससे आपको भी बेनिफिट है और मैं बहुत इजीली सिखाने की कोशिश करती हूँ। आप यहाँ पर कोई भी पॉम पॉम या लेस लगा सकते थे, मैंने बिना लेस के बनाया है। अब ये स्कर्ट की जो कमर है उसमें मैं पहले जो आप प्लास्टिक की बेल्ट मैंने पट्टी बनाई है उसको अटैच कर लेती हूँ, क्योंकि थोड़ा सा कैमरा मेरा डिस्टर्ब हो रहा है, प्रॉपर दिखाई नहीं दे रहा। मैंने आपको पहले भी बताया कि हल्का सा पलट कर और फिनिशिंग के साथ कमर में लगाते हैं, मैंने पिछली जो वीडियोस बनाई हैं उसमें ये दिखाया है अच्छी तरीके से। मैं कमर में बेल्ट अटैच कर रही हूँ, दोनों को राइट राइट साइड करके अटैच करते हैं। मैंने कई अम्ब्रेला कट स्कर्ट और कुर्तियां बनाई हैं, उसका मैंने लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया है। ये देखिए, मैंने ये पट्टी है जो कमर के लिए बेल्ट के लिए मैंने लगाई है, उसको मैंने इसमें ज्वाइंट कर लिया है, इससे बेल्ट लगाने में आसानी रहती है। ये देखिए, ये राइट साइड है, ये अपोजिट साइड है, रॉन्ग साइड है, उल्टा कपड़ा है, ये सीधा कपड़ा है। मैंने इसको भी थोड़ा सा स्टिच कर लिया था और इसको भी यहाँ पे ये देखिए स्टिच कर लिया है, जिससे कि फिनिशिंग अच्छी आएगी। ये आप डायरेक्ट भी स्टिच कर सकते हैं, जैसे मैंने पिछली स्कर्ट में दिखाया है। ये देखिए, अब मैं इसमें यहाँ पर जब स्टिच करूँगी यहाँ पर इस तरीके से, तो
तो ये वाले भी धागे नहीं दिखेंगे, और जो ये देखिए पीछे भी रेडीमेड की तरह स्टिचिंग आती है, ये देखिए बिल्कुल भी धागे नहीं दिखेंगे, और इधर भी आगे भी। ये आप सिंगल मशीन से कर सकते हैं स्टॉक लगाना, या फिर आप सेफ्टी पिन या अनपिन लगा सकते हैं इसकी जगह। कमर पे बेल्ट लगाते समय ध्यान रखें आपको इलास्टिक प्रॉपर खींच के और अच्छी तरह लगानी है, जिससे कि झोल भी ना आए और इलास्टिक छोटी भी ना पड़ जाए। मैंने पिछली वीडियो में बताया आप कमर की जो पट्टी अटैच करते हैं वो आप बड़ी भी रख सकते हैं, प्लेट्स डाल सकते हैं उसमें, और इलास्टिक से भी बड़ी रख सकते हैं। लास्ट स्टेप है ये, यहाँ पे मैं अब लास्ट यहाँ पे स्टिचिंग करने वाली हूँ। ये मेरी स्कर्ट रेडी हो चुकी है। थैंक यू वॉचिंग माई वीडियो। मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ कर दीजिएगा, लाइक और शेयर जरूर कीजिएगा, बेल आइकन भी दबाइएगा। नेक्स्ट वीडियो में एक ब्यूटीफुल टॉप बना रही हूँ बचे हुए फैब्रिक का। हैव अ नाइस डे।